विशेष दरवाजा खोल विशेष द्वार बाहर से बंद है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हो ना मैंने बता दिया। चुप कर। प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। हम विशेष से कभी जीत ही नहीं सकते। ये विशेष का घर है इसीलिए हमसे ज्यादा अच्छी तरह विशेष इस घर को जानता है। हमें उससे हार मान लेनी चाहिए। विशेष वास्तव में विशेष बालक है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। बल्कि हमें उसे विशेष नहीं श्री विशेष राव जी कहकर बुलाना चाहिए। हाँ बस ये एक बार द्वार खुल जाए विशेष राव जी के तो मैं चरण पकड़ लूंगा। क्योंकि तूने उनके नाम के आगे श्री नहीं लगाया। बोल मैं श्री विशेष राव जी के चरण पकड़ लूंगा। हाँ मैं श्री विशेष राव जी के चरण पकड़ लूंगा। मैं तो उन्हें पुष्पमाला पहना कर कहूंगा कि आप महान हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं तो उनके भजन गाने लगूंगा। श्री विशेष राव जी श्री विशेष राव जी आप कहाँ है भगवान मेरे सामने आओ जी श्री विशेष राव जी। अच्छा हुआ तुम सब ने समय से अपनी भूल का एहसास कर लिया। इसे आगे रख दो। मैं मोटा हूँ। हाँ तू विशेष राव नहीं और विशेष राव है और विशेष कहीं का। अरे तुम तो मुझे ये धोखा नहीं रणनीति। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कभी कभी शत्रु के सामने स्वयं को निर्बल दिखाना चाहिए ताकि शत्रु असावधान हो जाए और फिर उस पर अचानक से हमला बोल दो। वाह क्या आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और भी कहानियां मालूम है। बहुत सारी पर उसके लिए तुम्हें एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा बनना पड़ेगा। बनोगे? मैं बनूंगा। काय करता है राजे? आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते हैं जो आंखों पर पट्टी बांधकर 10-10 योद्धाओं को गिराते थे और आप एक वार नहीं कर पा रहे। राजे ध्यान केंद्रित कीजिए आपको अधिक सतर्क होकर लड़ना होगा। युद्ध में ताकत तेजी और बुद्धि तीनों का एक साथ प्रयोग होता है और आप एक कभी नहीं कर पा रहे। न भुजाओं में ताकत है न पैरों में तेजी है और न वार करने की होशियारी है। राजे तलवार सही से पकड़िए अगर आपकी पकड़ कमजोर पड़ गई तो शत्रु आप पर हावी हो सकता है। चलिए राजे आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते। पूरे मराठी साम्राज्य की नजरें आप पर है। आपको सबका नेतृत्व करना है। एक राजा कभी अपनी तलवार नहीं त्यागता कभी समर्पण नहीं करता और जो अपनी तलवार छोड़ता है दुश्मन की तलवार उसे नहीं छोड़ती। उतला तलवार उठाइए तलवार चलिए राजे। रानी साहब अभ्यास के बीच में आने के लिए क्षमा चाहते हैं। गुड़ी पाड़वा के निमंत्रण भेजने के लिए सरदारों की सूची लाए।
रानी साहब, क्या हम महाराज से कुछ बात कर सकते? क्षमा करा, हमें लगता है कि हम इनकी सहायता कर सकते हैं। खुदा कसम, आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। कमबख्श की बीवी तिल से लेकर ताज तक हर चीज मुझसे पूछ कर लेती थी, पर कल की दावत में उसने मेरा सलाम तक कबूल नहीं किया। जैसे मैं बादशाह सलामत के सबसे खास वजीर की नहीं, किसी चौकीदार की बेगम हूँ। जब सियासत तराशती है तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। बहुत खूब, शुक्रिया हुजूर। मेरी बात सुन भी रहे कि मकड़ी को देखे जा रहे? आप मेरे शौहर हैं कि इस मकड़ी के? शौहर तो हम तुम्हारे हैं, पर शागिर्द इस मकड़ी के। ये जाल बुनना हमने इस मकड़ी से ही सीखा है। कहीं का तार कहीं जोड़कर जाल बुना जाता है, पर जाल का हर सिरा बीच से जुड़ा होता है, और हमारे जाल के बीच में है मुगलिया सल्तनत का तख्त। हमने इतने सब्र, इतनी मेहनत से ये जाल बुना है कि बादशाह सलामत के इंतकाल फरमाने के बाद इस तख्त पर हम ही बैठेंगे, और जो हमें रोकने की कोशिश करेगा वो हमारे बनाए हुए जाल में उलझ जाएगा, फिर चाहे वो कमबख्श हो या बादशाह सलामत का कोई और बेटा। उस कमबख्त बालाजी नाम की आंधी ने हमारे जाल को हिला तो दिया पर तोड़ नहीं पाया, और इस बार उस मराठी कीड़े को भी इस जाल में फंसा कर मारेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द उससे फिर मुलाकात होगी। आपने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया इसे? हम इतने समय में जो नहीं कर सके आपने कुछ पलों में कर दिखाया। यदि आप चाहें तो हम आपको एक विशेष मंत्र दे सकते हैं। आप किसी की बातें नहीं सुन पाएंगे, आपकी आंखें सिर्फ लक्ष्य पर होंगी। हमने बचपन में कथा सुनी थी रानी साहब। एक बार तालाब के सारे मेंढकों ने तय किया कि वो एक पेड़ पर चढ़ेंगे। सबसे पहले जिन मेंढकों ने प्रयास किया वो हार गए, पेड़ पर नहीं चढ़ पाए। बाकियों ने उनके मुंह से सुना कि यह कार्य असंभव है, तो उन्होंने प्रयास तक नहीं किया। पर एक मेंढक था जो प्रयास करता रहा, लगा रहा,
सबने उससे कहा कि ये कार्य असंभव है, पर उसने प्रयास बंद नहीं किए। और अंत में वही मेंढक पेड़ पर चढ़ गया, सफल हो गया। वो मेंढक बहरा था, इसलिए उसने सुना ही नहीं कि यह कार्य असंभव है। रानी साहब, शब्द तीर से गहरे चुभते हैं। अरे महाराज, तीर पर तीर खाए जा रहे थे तो हारे जा रहे थे, हमने इन्हें कवच पहना दिया, ये सफल हो गए। ठीक है, आप गुड़ी पाड़वा के आयोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आज से आप राजे को भी तैयार करेंगे। पर तारारानी साहब, बालाजी भट्ट क्यों? हमारे साम्राज्य में इनसे अच्छे शिक्षक है, वो राजे को तैयार कर सकते हैं। इस वक्त हमें शिक्षक की नहीं, चमत्कार की जरूरत है पंत प्रतिनिधि जी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप यह चमत्कार करके दिखाएंगे। आज से राजे के प्रशिक्षक आप हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन राजे से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना छापा मार युद्ध में निपुण थे, और बिल्कुल विशेष की तरह पता नहीं कब कहां से धावा बोल देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। और फिर उन मुगलों ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा अफजल खान को शांति संदेश लेकर भेजा। तो अफजल खान आया तो शांति दूत बनकर था, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी नियत पर संदेह था। मणुन शिवाजी महाराज ने एक विशेष हथियार बनाया, वाघ नख, जो देखने में ऐसा लगता था कि हमने अंगूठियां पहन रखी हैं, पर उसके अंदर धातु के धारदार कांटे लगे होते थे। और शिवाजी महाराज का संदेह सच निकला, क्योंकि वो जैसे ही अफजल खान से मिले, वो लंबे चौड़े अफजल खान उनसे गले मिलने के बहाने उनकी गर्दन तोड़ने का प्रयास किया, और तभी शिवाजी महाराज ने उसके पेट पर वाघ नख से प्रहार किया। एक, दो, चार, पांच, सभी यही है। तो अंदर कौन है? विशेष कौन है? कौन कौन है बोलना? वहां पर कोई है? तुम सब मत बाजी है ना? तू है कोई नहीं आ सकता। विशेष सही कह रहा है, कोई भी चोर विशेष की तरह इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानता। धन्यवाद। जब तूने हम सबको कमरे में बंद किया था तो स्वयं उस कमरे से बाहर कैसे निकला था? उस कमरे में एक छोटा सा द्वार है जिसे मैं गुप्त द्वार कहता हूँ। उसमें से सिर्फ छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। अक्सर बाबा की पिटाई से बचने के लिए मैं वहां से भाग जाता हूँ। तो हम भी वहीं से हमला बोलेंगे और इन लुटेरों को घर से भगा देंगे। बादशाह सलामत, ये सभी मराठी हमारे वफादार हैं, और ये तीनों ऐसी खूबसूरत बेटियों के बाप हैं जो शाहू जी की बेगम बनने लायक है। जनाब, मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी यदि मेरी बेटी का विवाह शाहू जी से हो जाए।
मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है, सयानी है, शाहू जी की हर जरूरत को पूरा करेगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। क्या बात है, बहुत खूब। ये तो वाकई हमारे सच्चे वफादार हैं। वफादार ही नहीं, वो समझदार है। आपकी बात सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। आइए आलमगीर औरंगजेब आपको इस बात पर अपनी अंगूठी चूमने का मौका अता फरमाता है। शिकायत का मौका। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम शाहू जी के लिए दुल्हन नहीं, लगाम ढूंढ रहे हैं। ऐसी लगाम जो शाहू जी के दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबू पा सके, जिसके बाद वो सिर्फ उसकी मर्जी से यानी कि हमारे हुक्म से चले। और अगर ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो हमारे बाएं हाथ में चूमने के लिए दो अंगूठियां बाकी हैं। तो कुछ मिल ही नहीं रहा।
हमारा बाजी कुछ गलत नहीं होने देगा। तुम्हें मेरी आई से मिलना चाहिए था, वो एकदम जीजा माता जैसी लगती हैं। काय? बातें अब तक समाप्त नहीं हुई। बाबा विशेष ने परेशान तो नहीं किया? क्या हुआ? अजीब बात नहीं। और तुम लोगों ने विशेष का ध्यान रखा कि नहीं? मुझे बाजी भाव और इन सब के साथ बहुत ही आनंद है। इन सब ने मेरा ध्यान भी रखा। अच्छा चला बैलगाड़ी में बैठो, हमें समय से सासवड़ पहुंचना है। हाँ जी बाबा। हो प्रणाम बाजी भाव, जल्दी मिलेंगे। नाम अविशेष भाव। सच बताओ बाजी, विशेष के साथ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? वो बाबा हम जानते हैं कि विशेष बहुत शैतान है। बाबा आपको पता है उसे संभालना बहुत ही कठिन था। हाँ। पहले तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम उसे कैसे पकड़े। हम जैसे उसे पकड़ने जाते थे वो हमसे दूर भाग जाता था। लेकिन फिर हमने अपनी रणनीति बदली और उसे उसी की खेल में पराजित कर दिया और फिर हम दोनों मित्र बन गए और हम सबने मिलकर उन मुगल चोरों को भगा दिया। वो चोर नहीं थे बाजी, हमारे ही आदमी थे। रुको, थाम। बाबा अभी भी आपने क्या कहा? यही कि वो चोर नहीं थे, हमारे आदमी थे। हो, हमने ये नाटक तुम्हें ये समझाने के लिए किया कि स्वराज बिल्कुल एक छोटे शैतान बच्चे की तरह होता है। प्यार से मांगो, अधिकार से नहीं। क्यों किया? ध्यान हाथ से रखना, रविवार से नहीं। जिसे तुम्हारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा प्यास चाहिए होता है, वरना वो रेत की तरह मुट्ठी से कब फिसल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्वराज को संभालना है तो अपनी मिट्टी के कण कण को पहचानना सीखो, जैसे विशेष अपने घर को पहचानता है। समझ लो अनी। हाँ, मिट्टी से मित्रता करोगे तो ना तुम्हारे पांव फिसलेंगे और ना ही विदेशियों के जमेंगे। समझ ला? अनी लक्ष्य ठेव बाजी, स्वराज की भावना तब पैदा होगी जब तुम ये सोचना बंद करोगे कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, अनी ये सोचना आरंभ करोगे कि तुमने देश के लिए क्या किया। ओ बाबा, इस यात्रा ने मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने के लिए एक दिशा दी है और अब मैं स्वराज के लिए अपने राज को पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।